Subscribe to my channel Kitchen with Faria Baloch and press the bell icon button to get notified. Assalamualaikum, Kitchen with Faria Baloch के साथ मैं हूँ YouTuber Faria Baloch. अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को जो भी YouTube पर किचन विद फरिया बलोच के नाम से है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं फ्रेंड्स, मेरे फैमिली, बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, थैंक्स फॉर ऑल. आज मेरे किचन में बना रही हूँ मैं एक सिंपल सी मगर बड़ी मजेदार सी रेसिपी जो बड़े बच्चे बूढ़े सब शौक से खाएंगे. आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स का पुलाव. तो देर नहीं करते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ किचन में चलते हैं. तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिए हैं हाफ के जी चावल. यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बासमती चावल, आपकी पसंद है, आप जो सा चावल बनाना चाहें. इसे मैंने हाफ एन आवर पहले सोक कर लिया था, इन्हें रख दिया. यहाँ पर ली है हमने सब्जियां, मैंने लिए हुए आलू 2 अदद जो कि मीडियम है, मटर लिए हुए हैं थोड़े इन छोटी प्याली, और गाजरें ली हुई है मैंने, ये थोड़ी सी ज्यादा है, ये 4 लार्ज है. तो और बाकी आप सब्जियां अपने मर्जी से आगे पीछे भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस की कोई और भी डाल सकते हैं. इसके अलावा हम यहाँ एक हरी प्याज ली हुई है, उसको भी ऐड करेंगे बारीक काटा हुआ है, ये भी एक छोटी बाउल ली हुई है मैंने. यहाँ लिए हैं टमाटर स्क्वायर में काटे हुए 3 मीडियम लिए हैं, छोटी हरी मिर्चें ली हुई हैं 5-6 अदद काफी हैं, ज्यादा मिर्चें ना हो जाएं. जिंजर गार्लिक पाउडर लिया हुआ है 1/2 टीस्पून, आप इसकी जगह पेस्ट ले सकते हैं. सॉल्ट मौजूद है जो कि हसबे जायका जाएगा, सॉल्ट टू टेस्ट. चिकन पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर जाएगी 1 टीस्पून, रेड जो है हमारे पास चिली पाउडर ये जाएगा 1.5 टीस्पून, भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया जो रोस्टेड होता है ये जाएगा 1 टीस्पून, सौंफ जाएगी 1 टीस्पून, और यहाँ गरम मसाले में जाएगा 1 बे लीफ, तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची ली हुई है मैंने, 4-6 मेरे पास ये है काली मिर्चें, छोटी दालचीनी ली हुई है, और जो है 2 इलायचियां ली हुई हैं सब ग्रीन कार्डेमम. आप अपनी मर्जी से गरम मसाला थोड़ा और भी डाल सकते हैं अगर डालना चाहे, मगर यही इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे और इसी से हम बनाएंगे. उधर हमारी प्याज ब्राउन हुई हुई है तो वो भी आपको दिखा देंगे, चलते हैं स्टोव पर. यहाँ मैंने 1.5 कप ऑयल लिया हुआ है जिसमें मैंने 3 मीडियम प्राइस देखे अनियंस अपने ब्राउन कर लिए थे, गोल्डन ब्राउन करने. अब हम इसमें ये हरी मिर्चें डाल देंगे अपनी, और यहाँ डाल देंगे हम पहले इसमें जो हमने गरम मसाला लिया हुआ है ये सफेद जीरे के साथ, और डाल देंगे सौंफ, और अभी इसको हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से कुक करेंगे. 3 मिनट हो गए अच्छी तरीके से, हमारा जो है ये गरम मसाला वगैरह थोड़ा अच्छे से कुक रोस्ट सा हो गया. अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पाउडर डाल रहे हैं, आप पेस्ट ले सकते हैं, बता दिया मैंने 1/2 टीस्पून है. अच्छा यहाँ पर ले रहे हैं हम अपने जो टमाटर लिए हुए हमने ये डाल देते हैं, ये हो गया. और साथ के साथ हम यहाँ मसाले ऐड करते हैं अपने, यहाँ जो हमने काली मिर्च का पाउडर लिया हुआ था ये डाल देते हैं, ये लिया हुआ है हमने 1 टीस्पून. चिकन पाउडर 1 टीस्पून है, यह है चिकन पाउडर जो कि 1 टीस्पून है, ठीक है. धनिया जा रहा है भुना हुआ कुटा हुआ रोस्टेड 1 टीस्पून, और लाल मिर्चें जाएंगी पाउडर फॉर्म में 1.5 टीस्पून. मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. अब इन सबको इतना मिक्स कर लेते हैं कि ज़रा टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं. टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम अपनी सब्जियां ऐड कर देते हैं, आलू डाल देते हैं, मटर डाल देते हैं. सारे ऐसे आइटम हैं जो कि सब एक साथ एक ही टाइम पे जो है कुक हो जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि हमें ये जल्दी गल जाएगा और वो देर में गल जाएगा, तो इसलिए हमने तीनों चीज़ें एक साथ डाल दी हैं. तीनों को अच्छी तरह मसाले के साथ मिक्सअप करते हैं और इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देते हैं. चलें 1/2 कप हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, ठीक है. और अब हम जैसे ही इसमें बॉईल आएगा इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू मटर गाजर अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए. नमक हम डालेंगे जब हम चावल ऐड करेंगे. 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ तकरीबन क्या बतेदार, आप यकीन नहीं कर सकते हमारे इसमें किचन में खुशबू आ रही है इसकी. तो यहाँ पर जो है हम अपने चावल ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे मटर आलू गाजर सब अच्छी तरीके से टेंडर हो चुके हैं. पानी ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि चावल सोख हुए हैं. अब डाल देते हैं नमक इस स्टेज पे, हरी प्याज बिल्कुल एंड में जाएगी जब चावल बिल्कुल दम हो चुके होंगे ताकि वो बिल्कुल फ्रेश रहे. 2.5 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, बाकी नमक मेरा हस्बे जायका होता है, आप अपने हिसाब से डालेंगे
क्योंकि हमने इसमें ऑलरेडी चिकन पाउडर भी डाला हुआ है। अब देखें इस तरह सारे मिक्स कर लिए और चावलों को जैसे ही बॉयल आएगा हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद इसको दम पे रखेंगे। चलें ढक देते हैं चावलों का। देखें पानी बिल्कुल यहाँ पर खुश्क हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे इसे रख देते हैं दम पे 10 मिनट के लिए। और जब डिश आउट करने वाले होंगे ना हम, उससे बस 2 मिनट पहले आपने हरी प्याज ऐड करनी है। हरी प्याज अभी भी ऐड नहीं करनी है वरना वो सारी जो है मुरझा जाएगी। तो जब हम डिश आउट करने वाले होंगे आप भी, तो बस उससे 2 सेकंड्स पहले, 2 मिनट भी बहुत है, 2 सेकंड्स पहले ग्रीन अनियंस ऐड कर दीजिएगा और फिर उनको निकाल लेंगे। बस अब ये रेडी है, हम भी ये प्रोसेस करके डिश आउट करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पर हमारा वेजिटेबल पुलाव बड़े मजेदार किस्म का तैयार हो चुका है। जरूर बनाइएगा, इसे आप दावत पर भी रख सकते हैं, अपनी बच्चों की हाई जो टी पार्टीज होती हैं या आपके पास हाई टी होती है, मीन जो शामें होती हैं उस पर भी रख सकते हैं आप। बहुत लाइट और बहुत जल्दी से बनने वाले बड़े मजेदार किस्म के ये जो है चावल है जिसका वेजिटेबल पुलाव नाम रखा है। और अब तक अगर मेरे चैनल को जो कि YouTube पर किचन विद फरिया बलोच के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और जो सपोर्ट कर रहे हैं सबका अगेन थैंक्स। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।